आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो गांव छोड़ के यहाँ आ गए होंगे, होंगे ना? तो ठीक है, हमें ना गांव को भी बचाना है। अगर गांव नहीं बचेंगे ना तो शहर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो गांव में बचाने के लिए हम जो ये प्रयोग करते हैं ना, गांव में ज़्यादा करते हैं और गांव के स्कूलों को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ताकि बच्चे इकट्ठे हों, ताकि बच्चे वहीं रहें, एकदम पलायन ना करें, और जब पलायन करें तो कुछ बन के आएँ और फिर अपने वापस जाएँ, अपने गाँव के लिए कुछ करें, ठीक है? हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमारा मेन पर्पज़ क्या रहता है कि गांव में, देखो गांव में मेन चीज़ क्या चाहिए होता है, हमें रोज़गार। रोज़गार बोले तो हमें तब तक ना, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम बच्चों को कहाँ से एजुकेशन देंगे और कहाँ से कुछ करेंगे, तो हम उनको वहीं पर डेवलप करते हैं, यानी कि उनको वहीं पर एक अच्छे प्रशिक्षण दे के ना, वहीं पर एक एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, ठीक है? एक उद्यमी की वहीं पर वो अपना व्यवसाय जोड़े, वहीं पर वो अपनी इनकम जोड़े, ठीक है? ताकि वो कम से कम बाहर जा सके, उसकी जो बेसिक नीड है वहीं पूरी हो जाए, ठीक है? तो इसी से हम छोटे छोटे प्रयोग करते आ रहे हैं जो गांव पर करते हैं, हम गांव का मेन चीज़ प्लान को रोकते हैं, ठीक है बच्चों? हम अब आगे चलेंगे, एक एक डैमो में जाते रहेंगे, और ये छोटे छोटे डैमो जो यहाँ पे हैं ये केवल दिखाने के लिए लगे हैं, लेकिन ये मेन चीज़ इसका बड़ा, एक बड़ा विस्तार कहीं गाँव में बना होगा, ठीक है? और जो हमारी पकड़ है, जो हम लोग काम करते हैं, पूरा इंडिया, पूरे इंडिया, भारत में, पूरे भारत में करते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो हिमालयन बेल्ट है ना, चाहे वो चाइना जा रही हो, नेपाल जा रही हो, तो वहाँ भी हम लोग काम करते हैं, जो हिमालयन, पूरी हिमालय जहाँ को फैला हुआ है, ठीक है? और हमारा सबसे ज़्यादा जो वर्क रहता है, जैसे उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है ना, और पहाड़ में पानी कहाँ से आता है? जहाँ पहाड़ होंगे वहीं से तो पानी आएगा, क्योंकि उसके लिए वन चाहिए होंगे, जंगल चाहिए होंगे, है ना? प्लेन से तो निकलेगा तो कैसे निकलेगा? नीचे से लिफ्ट करना पड़ेगा, हमें पंप लगाने पड़ेंगे, लेकिन नदियाँ हमारी सारे पहाड़ से बन के जाती हैं, ठीक है? तो हम जहाँ पर नदियाँ हैं, वाटर कंजर्वेशन का आपने को सर ने भी बताया होगा, तो वाटर कंजर्वेशन पर जो हम वर्क कर सकते हैं वो हम पहाड़ी एरिया में करते हैं, तो इसलिए हमारा उत्तराखंड सेलेक्ट हो गया, हिमाचल हो गया, J&K हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, और नॉर्थ, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है ना, जितनी भी असम, मणिपुर, ये साइड इन रीजन में हम वर्क करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो पानी पे ही सबसे ज़्यादा वर्क होता है, ताकि वहाँ से पानी बढ़े तो पूरे देश में उसकी सप्लाई, ठीक? तो हम आगे बढ़ते हैं।